यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इतनी अच्छी मूवी का इतना टीजर क्यों रिलीज कर रहा है, और ऐसे कौन प्रमोशन करता है टीजर करके। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का टीजर आया, बोले तो टीवी स्पॉट जो भी है, पर कुछ नया शॉट देखने को मिला है और साथ ही इसका मूवी का रन टाइम भी रिवील कर दिया, जो कि 2 घंटा 6 मिनट है, जो मेरे हिसाब से कम है। अगर इसका रन टाइम 2 घंटा 15 मिनट तक होता तो अच्छा होता। तो इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे और साथ ही एक थ्योरी पे डिस्कस करेंगे कि कैसे एमसीयू में एक्समैन इंटर होगा। तो चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं। ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है डॉक्टर स्ट्रेंज से, जहाँ पे हम देखते हैं कि सेंट्रम डस्ट में उड़ रहा है और ग्राउंड में स्केलेटन देख सकते हैं, और ये सीन होगा जहाँ पे पूरा न्यूयॉर्क डस्ट उड़ता है, जैसे ही व्हाट इफ सीरीज में दिखाया था। फिर सीन कट के दिखाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जहाँ पे वो एक ग्लास बॉक्स में रहता है और उसके हाथ में एक हथकड़ी जैसा रहता है, जो कि किसी ग्रीन कलर के सोर्स से एक्टिवेट होते ही लॉक हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट शॉट में वांडा के बच्चों को दिखाता है, जो कि हम बिली और टॉमी को लास्ट वांडा विजन की सीरीज में देखे थे, पर ये सीन एक ड्रीम था। क्योंकि अगर तुम शॉट की ये शॉट देखने के बाद हम वांडा को देखते हैं वही पोजीशन में जिस पोजीशन में वो बिली और टॉमी के पास थी, मतलब वांडा डार्क मैजिक यूज करती है। और मेरे को लग ही रहा था कि ये सीन पुराने वाले ट्रेलर में भी दिखाया था, जहाँ पे वांडा को मैजिक यूज करते हुए देखे थे और साथ ही सर्कल से कैंडल को भी देखे थे। और ये टीवी शॉट में देखते हैं कि साइड में कैंडल को भी है, और उसके बाद वांडा बोलती है रशियन एक्सेंट में नाइटमेयर। मैं बता दूं कि नाइटमेयर रूलर करता है ड्रीम डिमेंशन का, और ये फेयर लॉर्ड में से एक है, और ये 6 फिंगरहेड का ग्रुप का पार्ट है कॉमिक्स में। अगर इसकी पावर एंड एबिलिटी को देखोगे तो तुम ये मेंटर और साइको लोगों की सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी से पावर लेने की एबिलिटी है। अगर कंफर्म हो जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का विलन नाइटमेयर होता है, तो एक और एंटी हीरो की एंट्री हो जाएगी एमसीयू में। यार एमसीयू फैन के लिए इशारा काफी है। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका सेवेस्को की एक डिमेंशन जाती है, जहाँ पे वो ब्लू कलर की लाइट देख सकते हैं और साथ ही लेफ्ट साइड में मॉन्स्टर की झलक देख सकते हो कि इस जगह को बर्बाद करता है। फिर हम एक और मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका सेवेस्को पर बस फेंकता है। और उसके बाद मोस्ट इंटरेस्टिंग देखते हैं जहाँ वोंग और वांडा के साथ एक क्रीचर को, ये वाला क्रीचर जो डॉक्टर स्ट्रेंज के पोस्टर में था, पर मेरे को नहीं लगता क्योंकि मार्वल वाले बहुत खतरनाक है, जल्दी नहीं दिखाएंगे चीथोन को। पर एक बात ध्यान देनी होगी ये वाले सीन में कि वांडा इन दोनों मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही है, कि इस क्रीचर की आंखें देखोगे तो लाल है, और वांडा किसी को भी कंट्रोल करती है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है। तो मेज ऑफ वाल्ट्रॉन उठा के देख लो। फिर नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को बिना क्लॉक ऑफ लेविटेशन के और जेम्स जोन्स की बिल्डिंग में, और उसके बाद हम देखते हैं अमेरिका सेवेस्को की एक ग्लास जैसे बॉक्स में बंद है, और साथ ही क्रिस्टोफर प्लमर को एक लैब कोट में, और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बताता है कुछ तो हुआ है, और साथ ही अल्ट्रॉन बॉट्स को भागते हुए। फिर हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका सेवेस्को की एक क्यूब वाले डिमेंशन में जाते हुए। अगर ये वाले शॉट को क्लोजली देखोगे तो बहुत जबरदस्त दिखता है। और नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि मोर्डॉक, जो की पूरा बदल गया है और हाथ में ब्रेसलेट होती है, और साथ ही स्वॉर्ड जो डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक करता है। फिर हम देखते हैं कि सेंट्रम पर बहुत बड़ा अटैक होते हुए। फिर देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और सिनिस्टर स्ट्रेंज को, पर इंटरेस्टिंग तो ये है कि इस ट्रेलर में इसकी थर्ड आइज दिखाई गई है, जो कि मेरे को अलग लगा। ओके, और कुछ दिखाना है ये वाले सीन में तो दिखा दो। तो रही बात थर्ड आइज की, तो ऐसा मान लो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक आइज़ ऑफ वाकामोटो है, वैसे ही सिनिस्टर स्ट्रेंज के पास आइज़ ऑफ वाकामोटो है, पर उसके सर के अंदर। और रही बात ये वाले सीन में, डॉक्टर स्ट्रेंज और सिनिस्टर के बीच पे तगड़ी फाइट होती है। तो नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, जो कि कैप्टन मार्वल के वेरिएंट और वांडा के बीच में होता है, जहां पे कैप्टन मार्वल के वेरिएंट फाइट नहीं कर पाती है। और फिर हमें दिखता है क्लियर शॉट ज़ॉम्बी स्ट्रेंज का, जिसके चेहरे पे 12 बजी हुई है, और देखते हैं कि वोंग कोट लटकते हुए। और साथ ही दूसरे शॉट में हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका सेवेस्को को, पर यहां डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक यूज करता है, जैसे व्हाट इफ के सीरीज में किया था, अपने मैजिक से पूरे एक ड्रैगन को निकालता है। तो ये तो हो गया ब्रेकडाउन ड्रीम टीजर का। और रही बात कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में या पूरे एमसीयू में एक्समैन की एंट्री कैसे होगी, तो डॉक्टर स्ट्रेंज और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक्समैन कैसे एंटर होगा, तो थ्योरी ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी का टाइमलाइन 2023 में है। जहां तक मुझे याद है कि एक्समैन की लास्ट फिल्म लोगन, जिसमें प्रोफेसर और लोगन मर जाते हैं, और उस फिल्म का टाइमलाइन 2029 है। तो थ्योरी है कि दोनों फिल्मों में 6 साल का गैप है, और ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर में देख चुके हैं कि अमेरिका सेवेस की पावर से कहां जा सकते हैं, और दोनों फिल्मों के कैरेक्टर आराम से बिना अपने टाइमलाइन को छेड़े एमसीयू में आ सकते हैं। तो थ्योरी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों की थ्योरी क्या है। आई होप यू गाइस थ्योरी और टीजर ब्रेकडाउन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मून नाइट एपिसोड 1 ब्रेकडाउन देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और मून नाइट एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन देखना है तो राइट वाली वीडियो देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू।